हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं ए डी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वो जो आज हम सर्कुलर मोशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्वेश्चंस सब तरीके के होंगे अच्छे होंगे काइनेमेटिक्स के पार्ट से भी करेंगे डायनेमिक्स के पार्ट से भी करेंगे और आ, कुछ क्वेश्चन एम में भी मैं सर्कुलर मोशन के डलवा दूंगा ठीक है ना तो स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट क्रॉल्स अप अपन हेमिसफेरिकल सरफेस स्लोली सी द फिगर फिगर देख सकते हो तो कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सर्फेस इज म्यूज इक्वल टू वन बाई थ्री म्यू की वैल्यू है फाइन इफ द द लाइन सेंटर टू द ऑफ इंसेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद वर्टिकल द विदर्टिकल पॉसिबल एंगल अल्फा अल्फा की मैक्सिम पॉसिबल एंगल क्या हो सकती है तो भाई साहब इधर की तरफ लगा नॉर्मल फोर्स और नीचे की तरफ लगा एम जी फाइन अभी यहाँ पे क्रॉल करते करते रुक गया और मान लो कि ये रेस्ट पे यहां पे खड़ा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा सर फ्रिक्शन ऐसे क्यों लग रहा होगा ऐसे इसलिए लग रहा होगा कि ऐसा कि ऐसा है कि ये अल्फा तो ये भी अल्फा तो तो क्या तो ये भी अल्फा तो एम जी का ये कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस अल्फा और एम जी का ये वाला कंपोनेंट हो गया एम जी साइन अल्फा साइन वाला चाहता है कि तू नीचे गिर उसको रोक रहा है फ्रिक्शन अब भाई फ्रिक्शन की वैल्यू किसी भी टाइम पे एम जी साइन अल्फा के बराबर है अब जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर जाएगा अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिटिंग जा सकता है म्यू एन के बराबर उससे ज्यादा नहीं जा सकता एक टाइम आया जब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे लग रहा है किसी अल्फा पे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बोले तो म्यू इंटू एन एंड वट इज माई नॉर्मल नॉर्मल इज माई म्यू इंटू एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी

देन इट्स एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा एट थीटा बराबर वन रेडियन अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है तो अपने को पता है कि भाई डी ओमेगा बाई डी टी ही मेरा अल्फा होता है बट ध्यान ध्यानपूर्वक करना जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा टू थीटा डी थीटा बाई डी टी चेन रूल की वजह से क्योंकि थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया थीटा को इसीलिए ये आया प्लस टू इन डी थीटा बाई डी टी अल्फा इज इक्वल्स टू टू थीटा यानी कि टू इंटू वन डी थीटा बाई डी टी बोले तो ओमेगा और सेकेंड स्कवायर डू गेट माई पॉइंट क्यों ऐसा किया इसलिए स्टेप क्रूशियल है अगेन ये सवाल बहुत सिंपल है द ग्राफ बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन विच वन इज द मैग्नीच्यूड ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग एंगुलर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है मतलब अल्फा की वैल्यू डिक्रीज कर, कर रही है ऑब्वियसली पॉजिटिव तो में डिक्रीज कर रही है अल्फा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर रही है यानी कि देखा जाए तो डी ओमेगा अपॉन डी टी पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है और डी ओमेगा अपॉन होता है स्लोप ऑफ ओमेगा ग्राफ अब देखा जाए तो इसका स्लोप कांस्टेंट इसका स्लोप कांस्टेंट दो पार्ट बसता है इस पार्ट में अगर तुम गौर से देखो तो स्लोप निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है यानी कि डी ओमेगा अपॉन अपॉन्डिटी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है यहां पे अगर तुम गौर से देखो तो मैं क्या बोल रहा हूं स्लो पॉजिटिव में घट रहा है यानी कि डी ओमेगा अपॉन डी पॉजिटिव में घट रहा है यानी कि अल्फा मेरा पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर द टेंजेंशियल एक्सलोरेशन मूविंग ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर बराबर वन मीटर वेरी विथ टाइम एज दिस 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 ये एक्सेलरेशन है टाइम के साथ वेरिएशन दिया हुआ है एक लाइन के साथ स्ट्रेट लाइन है टाइम आफ्टर टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मेक्स डिग्री विथ रेडियल एक्सेलरेशन। मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी टाइम पे पार्टिकल मान लो यहां पे है यहां पे है तो इस तरफ इसका मान लो सी है और इस तरफ मान लो इसका ए टी है और ये मान लो इसका ए नेट है तो वो टाइम जब मेरा टोटल एक्सेलरेशन यानी कि एनेट थर्टी डिग्री बना रहा हो रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है रेडियल एक्सेलरेशन तो यहां से बाबा टेन थर्टी की वैल्यू एटी अपॉन ए सी के बराबर है टेन थर्टी की वैल्यू एटी अपॉन ए सी के बराबर है और अगर टेन थर्टी की वैल्यू एटी अपॉन ए सी के बराबर है दैट मींस दैट यहां देखा जाए तो एटी की वैल्यू आ गई वाई बराबर एम एक्स रूट थ्री इंटू टी ए टी क्या आ गया डीवी अपॉन डी टी बराबर acceleration को dv अपॉन डी टी लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल होता है वी स्क्वायर बाईर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया dv बराबर रूट थ्री डी टी इंटीग्रेट किया तो वी बराबर रूट थ्री टी स्क्वायर बाई टू AC की वैल्यू आ गई कि की पावर रेडियस इज़ मीटर ये अपना है है और अपने को AT भी पता है, इसको यूज़ कर लो टेन थर्टी की वैल्यू हो गई वन बाई रूट थ्री विच इज इक्वल टू ए टी विच इज रूट थ्री टी अपन एसी विच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम द्री टी की पावर फोर अपॉन फोर चेक माई डू चेक माई कैलकुलेशन डू द कट पीट जो भी करना है यू विल गेट योर डिजायर रिजल्ट डू यू गेट माई पॉइंट करके देख लेना मतलब क्या ही पता रहूं? सही आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट सवाल अ अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन रफ डिस्क डिस्क एक है है रफ आओ पिक्चर बनाते हैं वाह मैं फोटो बनाने में तो एक्सपर्ट हूं ये है डिस्क इस पे एक आदमी खड़ा है ठीक है। रोटेटिंग से नाच रहा है नाचने दो वेयर ही शुड स्टैंड ऑन द डिस्क जहां पे वो स्लिप ना करे एट वर्क डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ब्ला 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 एक बात बताओ ऐसा क्यों होगा जब आदमी डिस्क पे खड़ा रहेगा और मैं चाहता हूं कि स्लीपिंग ना हो तो आदमी को भी फाइव रेडियन पर सेकेंड से घूमना पड़ेगा और अगर आदमी को फाइव रेडियन पर सेकेंड से घूमना पड़ेगा तो आदमी को घुमाने वाला एक ही फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स तो कहीं ना कहीं आदमी के लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ही एम ए सी दे रहा है यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर आर दे रहा है तो कहीं ना कहीं आदमी के लिए अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन मैं एकदम क्रिटिकल केस लेकर चल रहा हूं तुम सोचो कि बहुत दूर चला गया अब बहुत दूर जाएगा तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी ओमेगा तो मेरा फिक्स है जो डिस्क का ओमेगा वही आदमी का ओमेगा तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है जैसे से वो दूर जा रहा है सेंटर से <coughs> सॉरी फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है उसको पता है दूर जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो अपने को भी बढ़ना पड़ेगा लेकिन फ्रिक्शन की तो लिमिटिंग होती है वो भाई म्यू एन से ज्यादा जा नहीं सकता तो फ्रिक्शन ने पूरा जोर शोर लगाया और बोला कि भाई साहब जब मैं म्यू एन लगूंगा यानि कि म्यू एम बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो आर की वैल्यू आ गई म्यूजी स्क्वायर म्यूजी की वैल्यू की बात की जाए तो म्यूजी की वैल्यू कितनी है वो है जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन अपॉन ओमेगा स्क्वाच इज ट्वेंटी फाइव तो यह आ गया एक बटा पांच पॉइंट टू मीटर यानी जीरो पॉइंट टू मीटर तक अगर तुम जाते हो तो तुम बचे हुए हो उससे दूर गए फ्रिक्शन दे ही नहीं पाएगा स्लिप कर गए तो माई रेडियस टू जीरो अच्छा सवाल है अ कार स्मूथ रोड पासस थ्रू कर्व पोर्शन ऑफ अ रोड इन फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस टेन मीटर इस आर्क का रेडियस है दस मीटर के बराबर द मास ऑफ कार इज पांच सौ के जी कार का मास कितना है पांच सौ के जी द रिएक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट एक बात बताओ एक ब्लॉक एम मास का है अगर नॉर्मली ये वी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन से जा रहा है तुम क्या बोलते हो कि सर ऊपर लगा नॉर्मल नीचे लगा एम जी नॉर्मल एम जी के बराबर होगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसका एक्सिलरेशन नहीं है तुम यही बोलते हो बट सर्कुलर के केस में ऐसा नहीं होता अगर कोई भी बॉडी कर्व पाथ पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ होगा ही होगा दैट इज एसी इस केस में एफबीडी तो सेम बनेगा लेकिन इस केस में जब न्यूटन का तुम सेकेंड लॉ लगाओगे तो तुम क्या लिखोगे एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए सी दिस इंप्लाइज दैट नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी क्या निकालना नॉर्मली तो निकालना वी की वैल्यू पता मास की वैल्यू पता एवरीथिंग इज पता यू कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट आई विल नॉट डू इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम वेल well, ये पार्ट थ्योरी में पढ़ाई जाती है बट स्टिल चलो मैं बता दूं कि ये कोनिकल पेंडुलम कैसा होता है तो ये कोनिकल पेंडुलम ऐसा होता है ऐसे गन गन देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो ये ऐसे घूमते रहते हैं दिस इज दिस इज नोन एज कोनिकल पेंडुलम वेल अब कोनिकल पेंडुलम की बात की जाए तो यार ये भी एक तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये जो बॉब है ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिस बॉब का जो रेडियस है ये है आर वेल आर इज माय एल साइन थीटा ये मेरे आर की वैल्यू है एल साइन बराबर अब मैं इस कोनिकल पेंडुलम का एफबीडी बनाना चाहता हूं अब ये सिंस इस रेडियस में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं इसका एक्सिलेशन इसी सेंटर के है अब इस प्लेन में अगर एक्सिलेशन है इसकी एफबीडी देखी जाए तो नीचे लगाया एम जी इधर लगाया टेंशन टी यह एंगल थीटा है, यह आ गया टी कॉस थीटा और यह आ गया टी साइन थीटा वेल टी साइन थीटा की वैल्यू टी साइन थीटा की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर बड़ होगी जिस ओमेगा से यह घूम रहा होगा या एम वी स्क्वायर ब्या जो भी दिया हुआ है और कहीं ना कहीं टी कॉस थीटा मेरे एम जी को बैलेंस कर रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी के बराबर आ गई सारा ऑप्शन तुम चेक कर सकते हो आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा आर इज एल साइन थीटा डाल दो तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन सॉरी वन अपॉन कॉस्ट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन जी चेक द कैलकुलेशन बहुत सिंपल सवाल था अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग सर्कुलर पार्थ ऑफ रेडियस चार मीटर चार मीटर के रेडियस में एक पार्टिकल घूम रहा है एट सर्टन इंस्टेंट द पार्टिकल इज मूविंग मीटर पर विदेंड एंड इज 37 डिग्री जो भी दिया हुआ है सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ किया करो विदाउट पिक्चर डोंट ट्राई टू अटेम सवाल बिकॉज वो सवाल तुम्हारा तो गलत हो सकता है पिक्चर से थोड़ा क्लैरिटी आता है अब पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है जिस पाथ का रेडियस है चार मीटर का ठीक है फाइन किसी स्टैंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सिलेशन इज एट एंगल 37 सेवन डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन टू द सेंटर ऑफ द सर्किल एज सीन फ्रॉम द पार्टिकल जब भी एक्सीलरेशन की बात कर रहा है ना तो वो एनेट की बात कर रहा है कि भाई सब ऐसा है कि एज सीन ऑन द फ्रॉम द पार्टिकल ब्ला 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 कहाँ गया इट्स एक्सेलरेशन इज एट एंगल थर्टी सेवन डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल एज सीन फ्रॉम द पार्टिकल थर्टी सेवन डिग्री पे नेट एक्सेलरेशन है ठीक है एट वट रेट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजिंग बहुत सिंपल सवाल रेट ऑफ स्पीड का इंक्रीमेंट यानी कि वो पूछना चाह रहा है डी मॉड वी अपॉन डी टी यही तो है और यही मेरा एटी के बराबर होता है यही मेरा एटी के बराबर होता है अरे है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं इस ए का दो कंपोनेंट है यह कंपोनेंट है ए कॉस थर्टी सेवन और यह है मेरा ए साइन थर्टी सेवन कहीं ना कहीं अपने को ए साइन थर्टी सेवन की वैल्यू पता है सॉरी ए कॉस थर्टी सेवन की वैल्यू पता है कैसे सर अरे स्पीड दिया हुआ है ए कॉस थर्टी सेवन इज वी स्क्वायर बाई आर सिंपली तो ए कॉस थर्टी सेवन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ट्वेंटी का स्क्वायर अपॉन आर यहां से ए निकलेगा और अपने को चाहिए ए टी विच इज ए साइन थर्टी सेवन तो यू कैन इजली फाइन दैल्यू ऑफ एटी इफ यू फाइन द वैल्यू ऑफ ए गेट माई पॉइंट छोटी बात है वॉट इज द मैग्नीच्यूड ऑफ एक्सलोरेशन यानी कि वो सिंपली ए की बात कर रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो ना देखो खोया खोया चार, चार सौ यह लगा सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस सर ए की वैल्यू आ गई एक सौ पच्चीस A particle is revolving in a circle of radius 1 meter with angular speed 12 radian per second. At T per hour 0, it was subjected to a constant acceleration alpha and its angular speed increases to 480 by pi rpm in two seconds. दार्टिकिल कंटिन्यूस टू मूव विदेंड स्पीड कैलकुलेट ब्ला वेल सवाल क्या है? एक पार्टिकिल एक मीटर के रेडियस में घूम रहा था विथ एंगुलर स्पीड ट्वेल्व रेडियन पर सेकेंड ए टी बराबर जीरो इट वॉज सब्जेक्टेड टू ए कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा इसको अल्फा लग गया स्पीड टू फोर एट्टी बाई 480 आर पी एम रोटेशन पर मिनट पहले इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करो क्योंकि हमारा सारा पार्ट अपने को रेडियन पर सेकेंड में शो so करना है तो अल्फा तो बाद की बात है ओमेगा फाइनल है फोर एट्टी बाई पाई एक रोटेशन में कितना एंगल होता है सर टू पाई एंगल होता है पर मिनट पर सेकेंड करना है टू पाई रेडियन पर मिनट को पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया सिक्सटीन रेडियन पर सेकेंड ये ओमेगा फाइनल हो गया ओमेगा इनिशियल कितना है ट्वेल्व रेडियन पर सेकेंड अल्फा निकाल लोगे टाइम दिया ना अपने को दो सेकेंड तो अल्फा बराबर कांस्टेंट है कांस्टेंट है बिल्कुल अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम टू रेडियन पर सेकेंड ये अल्फा फाइनल की वैल्यू आ गई

ये आ गया 12 प्लस ट्वेल्व टी कब से दो सेकंड से लेकर मतलब जी, हाँ, जीरो से लेकर दो सेकंड तक जीरो से दो सेकंड होने से के बाद अपनी वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट हो गया यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट 16 रेडियन पर सेकंड यानी कि वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड इसीलिए सर से रेंज दिया है डू यू गेट माय पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इतना सेकंड एंड इतना सेकंड 0.5 सेकंड पे देखा जाए तो उस, पे उस वक्त जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड और तीन सेकंड पे एक्सेलरेशन पूछा है कुछ भी नहीं दिया है मतलब नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है जीरो तो पॉइंट फाइव सेकेंड पे अल्फा भी है और एसी भी है तो जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है या ओमेगा कितना है डाल के देख लो तो ओमेगा फाइनल आ गया जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड पे जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड पे ओमेगा फाइनल आ गया थर्टीन रेडियन पर सेकेंड ए सी आ गया ओमेगा स्क्वायर आर ये ए सी आ गया एटी जो है वो तो फिक्स है एटी तो अपने को पता ही है ना कैसे पता है सर एटी भाई एटी कॉन्स्टेंट लग रहा है तो अल्फा है टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो एटी होता है आर अल्फा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कहां गया कहां गए कहीं गई कही, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इतना सेकेंड एंड तीन सेकंड तो भाई ये वन सिक्सटी नाइन से थोड़ा ज्यादा होगा भाई ये वन आंसर दिया तीन सेकंड पे अपना ए टी खत्म हो गया है। सिर्फ ए सी है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर और तीन सेकंड पे वेलोसिटी मेरी कितनी है सोलह मीटर पर सेकेंड आर अल्फा तो करोगे वी स्क्वायर पे आर या ओमेगा स्क्वायर आर कर दो सौ छप्पन आ जाएगा तीन सेकंड पे

तो पहले जीरो से दो सेकेंड का तुम थीटा निकालो अब अल्फा है जीरो से दो में तो ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ये थीटा वन आया उसके बाद ओमेगा कांस्टेंट हो गया सोला कितने सेकेंड के लिए एक सेकेंड के लिए तो ये थीटा वन थीटा टू बराबर सोलह गुना एक दोनों को जोड़ दो दैट विल बी फाइनल अब देखो अगेन ये सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है अ स्टोन इज थ्रोन हॉडिजेंटली विथ अ वेलोसिटी ऑफ फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सिलोरेशन ऑफ ए स्टोन वन सेकेंड आफ्टर इट बिगिन टू मूव एक सेकेंड के बाद क्या सिचुएशन होगी एक सेकेंड के बाद यह हॉडिजेंटल वाला फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड होगा लेकिन यहां जो वर्टिकल वाला होगा ना वो बिल्डअप हो गया होगा जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल कितना होगा सर वी बराबर ये आ गया नेट वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी कितनी एंगल पे इस एंगल को फाइव बोल दो तो नेट वेलोसिटी का जो एंगल होगा टेन फाइव वो होगा पंद्रह बटा दस तीन बड़ा दो ये नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गए इस वक्त मुझे पूछा क्या है? टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सिलेशन ध्यान रखना जब भी एटी और एसी की बात करेगा तो एक्सीन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है दैट इज कंसीडर्ड एज एटी, और जो उसके परपेंडिकुलर है इज कंसीडर्ड एज एसी अब वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है इस फाइ एंगल पे फाइव पे मुझे की वैल्यू पता है और इस वक्त इसका जी लग रहा है तो जब वो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की बात करेगा तो वो एक्सिलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी की एलोंग है और वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है दिस विल बी एटी दिस विल बी ए नो दैल्यू ऑफ टेन अल्फा यू कैन फाइंड दैल्यू ऑफ साइन अल्फा यू कैन फाइंड दैल्यू ऑफ कॉस अल्फा यू कैन डू कुछ भी कर सकते हो यहां पर तो, कुछ भी पता है अपने को। बस पता होना चाहिए अस्टोन इज लॉन्च अपर्ड पैतालीस डिग्री विथ स्पीड वी नॉट उसी तरीके का सवाल है जैसा अभी बताया था बी फॉलोज द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ स्टोन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड इक्वल्स टू द इनिशियल स्पीड ऑफ स्टोन एक बी इसके ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है वी नॉट स्पीड से फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी यहां पर इस स्टोन का रेडियोस ऑफ Uh, क्या बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है ये बताओ तो यहां पे इसकी वीडेस होगी कितनी सर वो होगी वी नॉट कॉस पैतालीस सपोज कोई बी यहां पे है। उसने टेजिक्ट्री को फॉलो किया और बी इधर भाग रहा है तो इस पे अगर देखा जाए तो अपनी ए की जो वैल्यू होगी जो ए की वैल्यू होती है वो होती है वीडेस स्क्वायर बाई आर वे आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बताया था ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सिलोरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और इस वक्त इस पे जी लग रहा है तो वीडियस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव अपॉन एक्सीलेशन विच इज इक्वल्स टू टेन ये आ गया उस टॉप पॉइंट पे उस बॉल का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बी अगर उस पाथ पे जा रही है तो बी मतलब जिस रेडियस यह सर्कल बनेगा ना काइंड kind ऑफ of, उस सर्कल का रेडियस वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ऑन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी बताया था ना ये होता है सिंपल व्हाट इज द एक्सलोरेशन ऑफ बी एट द टॉप पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी द स्टोन नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस अब उसने बी का पूछा है अब सुनना यहां कैसे चीजों को उसने चेंज करने की कोशिश की है उसने बोला अब यू समझो कि ये यह पर पे बैठा हुआ है और बी जा रहा है वी से, क्योंकि बी ने हमेशा उसी स्पीड से कंटिन्यू किया है तो मैं बी की बात करता हूं ये है मेरा मधुमक्खी या जो भी है वो वी नॉट स्पीड से जा रहा है जिस पाथ पे जा रहा है उसका हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है तो उसने बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अपने को पता है उसने बी का एक्सीलरेशन पूछा है अब बी इस पाथ पे जा रहा है जिसका रेडियस आर अपने को ऑलरेडी पता है हमने फाइंड आउट कर लिया है तो बी का जो एक्सीलरेशन होगा ए सी दैट इज वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी के बराबर अच्छा सवाल था थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो पहले ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल केस लेके कि वेलोसिटी क्या थी एक्सेलरेशन क्या था मैंने उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लिया अब उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर में बी घूम रहा है जिसकी वेलोसिटी वी नॉट है तो बी का एक्सेलरेशन क्या होगा वी नॉट स्क्वायर बाई आर क्योंकि आर थोड़ी बदलेगा भाई बी के चक्कर में आर थोड़ी बदलेगा जो उस कर्व का जो कर्व किस जिस सर्कल का पार्ट है वो कर्व नहीं बदल सकता उसको मैंने ओरिजिनली फॉर्मूले से निकाल लिया गेटिंग माई पॉइंट फाइन खत्म हो गया वेल ये तो अपना सर्कुलर मोशन के ऊपर कुछ सवाल बाकी सवाल तो मैंने बहुत सारे करवाए भी है मिलते अगले वीडियो में बाई टेक केयर ऑल द बेस्ट